सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मल्टीविटामिन मेडिसिन के बारे में, और ये है आपकी एडगेन प्लस कैप्सूल, और ये जो है सिप्ला कंपनी की है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब इसके फायदे के बारे में बात करेंगे, इसके क्या नुकसान है, कैसे लेना है, क्या प्राइस है, ये सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो अगर हम इस एडगेन प्लस कैप्सूल के प्राइस के बारे में बात करें तो देखिए, ये 237 रुपीज़ में एक स्ट्रिप आती है जिसके अंदर जो है आपको 10 कैप्सूल मिलेंगे। तो बहुत पहले इसका प्राइस था 225 रुपये जो कि मेरे पास है, तो ये ओल्ड स्टॉक है, अभी न्यू स्टॉक जो है आपको 237 में मिलेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में, क्या क्या इस मेडिसिन में मिलता है या क्या क्या इसमें है, तो देखिए इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एल-सिस्टीन है, सैक्रोमाइसिस है, और सैक्रोमाइसिस को जो ब्रूअर्स ईस्ट भी बोला जाता है, इसके अलावा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। तो इस प्रकार से जो है इसमें बहुत सारे जो है कंपोजिशन अवेलेबल है। अब ये जो मेडिसिन है, आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, स्पेशली हेयर के लिए बनाई गई है। लेकिन देखिए, हेयर के लिए तो बनाई गई है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो देखिए, कोई भी जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, या प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो किसी भी पर्टिकुलर जो है चीज़ के लिए नहीं होते, उनके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो देखिए, आजकल की जो लाइफ स्टाइल हमारी ऐसी हो गई है, जैसे कि पुअर डाइट, हम हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, न्यूट्रिशन वाला जो है खाना नहीं खाते हैं, वो टाइम पर नाश्ता नहीं करते हैं, और टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, टाइम पर सोते नहीं हैं, और कम से कम 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। और हम आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, या तो कोई सोएगा तो ओवर बहुत ज़्यादा सोएगा, या तो बहुत कम सोएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ में दिक्कत होती है। और उस कारण क्या है कि हमको न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिस कारण हमारे बाल भी झड़ने लगते हैं, हमारे बाल कमज़ोर होने लगते हैं। तो अब हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बता दूं इसको लेना कहाँ से है। तो देखिए, कोई भी जो एलोपैथी मेडिकल स्टोर होते हैं, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो, और डॉक्टर की सलाह से लें तो बेहतर रहेगा। और इसके अलावा बहुत सारी इससे मिलती जुलती मेडिसिन जो रहेंगी हेयर से रिलेटेड, उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहे तो उनको घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन मंगा सकते हो। तो हम इसके फायदे के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए, ये जो मेडिसिन है आपके हेयर के लिए, आपके नेल्स के लिए, और आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। तो देखिए, इसमें बायोटिन और जिंक मिलता है। तो बायोटिन और जिंक जो होता है हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमारे नाखून के लिए भी और स्किन के लिए भी। तो जैसे कि आपके ब्रिटल नेल्स हो गए हैं, या तो जैसे कि कमज़ोर हो जाते हैं नाखून, तो उस कंडीशन में काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। और इसमें जैसे कि आपको मिलता है कैल्शियम डी, पेंटोथेनेट मिलता है, विटामिन D3 मिलता है, जो कि हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, और जो हमारे बाल जो समय से पहले ग्रे हो जाते हैं, प्री मैच्योर ग्रे हो जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी ये जो है मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं, या फिर जैसे सनलाइट है, आपका धूप में बहुत ज़्यादा काम होगा, तो धूप के कारण भी जो है आपके बाल डैमेज होने लगते हैं, तो उससे भी बचाती है। मतलब ये जो मेडिसिन है आपके बालों को झड़ने से रोकेगी, और नए बाल आने में बहुत मदद करेगी ये मेडिसिन। और इसके अलावा आपके नाखून और स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छी है, आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, और आपकी स्किन जो है हेल्दी होगी। अब देखिए, ये जो है DHT को भी कम करता है, क्योंकि इसमें है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है ना, कुछ हद तक DHT लेवल को भी कम करता है। तो देखिए, DHT होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि बाल झड़ाने के लिए काफ़ी जिम्मेदार होता है। आप में से कई लोगों को पता होगा जिनके बाल झड़ रहे होंगे, DHT जो है बहुत बड़ी समस्या है आजकल की डेट में। तो DHT को भी कुछ हद तक ये कम करता है। तो देखिए, मैं इधर बोलना चाहूँगा, DHT को बहुत ज़्यादा ब्लॉक नहीं करता है, कुछ हद तक करेगा। और इधर मैं बोलना ये भी चाहूँगा, अगर आप DHT की पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हो कम करने की, जैसे कि फेनिस्टाइड ले रहे हो, डूटास्टाइड 0.5 mg ले रहे हो, तो वो आपको कंटिन्यू करना है, उसको बंद नहीं करना है। तो इधर आपको कोई भी मेडिसिन बंद नहीं करना है, अगर पहले से चल रही है तो बंद करना है, तो डॉक्टर से सलाह करें तभी बंद करें। इसके अलावा अगर आपको वीकनेस जैसा लगता है, कमजोरी लगती है, एनर्जी की कमी लगती है, तो उस कंडीशन में भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, आपकी हड्डियों को भी मजबूत करती है, और जो अर्थराइटिस के पेशेंट है वो भी इसको ले सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और इसमें जैसे कि ब्रूअर्स ईस्ट है, तो ब्रूअर्स ईस्ट जो होता है उससे जो है काफ़ी ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन मिलते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इधर देखा आपने कितने सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मेनली सबसे बड़ा फ़ायदा है आपका बालों के लिए, स्किन के लिए और नाखूनों के लिए। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एक टेबलेट आपको डेली लेना होता है, और कुछ भी खाने के बाद लेना है, नाश्ता करो, खाना खाओ, उसके आधे घंटे बाद लेना होता है। सिंपल पानी के साथ ले सकते हैं, और बेहतर रहेगा रात में ले तो बेहतर रहेगा, सोने से पहले, बाकी आप कभी भी ले सकते हैं, कोई भी समय बना सकते हैं। और इसको जो है मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, लेकिन बच्चों के लिए मेडिसिन नहीं है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी इसको ना लें। हालांकि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है इसको ले सकते हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर की सलाह से लेना है। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, तो देखिए इसका साइड इफेक्ट जैसे कि आपको इचिंग हो सकता है बॉडी में, फेस में पिंपल्स आ सकते हैं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है।
तो देखिए, पेट जो है इससे खराब नहीं होगा जहां तक जो है मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें देखिए एक तो ब्रुअर्स ईस्ट है जो कि डाइजेशन के लिए काफी अच्छा होता है। तो पेट की फिर भी अगर आपको समस्या हो जाती है तो आप इस मेडिसिन को लेना बंद कर सकते हैं, क्योंकि जनरली देखा गया है कि बहुत सारे मल्टीविटामिन ऐसे होते हैं जिनसे कि पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, पेट वगैरह खराब हो जाता है, लेकिन इससे वो समस्या जहां तक नहीं होगी। तो कुछ भी आपको साइड इफेक्ट हो तो इसको लेना बंद करें और डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आप कोई दूसरी मेडिसिन पहले से ले रहे हो जैसे कि कोई मल्टीविटामिन या कोई स्पेशली बायोटिन की या कोई एंटीऑक्सीडेंट, तो उसके साथ साथ इसको भी ले सकते हैं या नहीं, तो इधर मैं बोलना चाहूंगा नहीं, क्योंकि ये भी एक प्रकार से मल्टीविटामिन्स और मल्टीमिनरल्स टेबलेट है। क्योंकि अगर आप किसी भी मेडिसिन को ओवरडोज करोगे तो आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है तो डॉक्टर से सलाह करें या तो फिर कोई भी एक मेडिसिन लें। आप कब तक लेनी है तो देखिए डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए आप हेयर फॉल के लिए लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप 3 महीने तक कंटिन्यू ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक एक ही मेडिसिन को ना लें। मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपने कंटिन्यूसली 3 महीने ले लिया, या तो फिर आपको जैसे ही फायदा मिल गया तो उसको इसको लेना बंद कर सकते हैं, या फिर बीच बीच में ले सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि कुछ दिन लिया कुछ दिन बंद कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। भाई लंबे समय तक किसी भी चीज़ की हमको आदत नहीं बनाना चाहिए। अब इधर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा अगर आप ये मेडिसिन लेते हो तो देखिए आपको अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, और हेल्दी डाइट लीजिए और फ्रूट्स खाइए और जो जूस वगैरह होता है वो पीजिए, और टाइम पर नाश्ता करिए, टाइम पर खाइए, और हो सके तो एक्सरसाइज करिए। हल्के फुल्के एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। ज़रूरी नहीं कि हमको जिम जाना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कर सकते हो, और अगर टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट वॉकिंग कर सकते हो, पैदल चल सकते हो, या फिर रनिंग भी कर सकते हो। तो इससे होता क्या है कि हमारी बॉडी का जो है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा जो बाल होते हैं बालों को भी काफ़ी फायदा होता है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपके बालों के लिए भी अच्छा है, कि बालों को काफ़ी ऑक्सीजन मिलता है और जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो भी मिलते हैं। पर आप इस टाइप से मेरी जो है एडवाइस फॉलो करोगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा इस एडगेन प्लस कैप्सूल का। तो मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, लेकिन अभी भी कोई डाउट इस मेडिसिन को लेकर तो आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और इस टाइप से अगर आप हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो जो कि मैं डेली लाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।